आज एचपी न्यूज 24 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की। ब्रावर नगर परिषद के सीएमओ ने किया निजी भूमि पर अतिक्रमण। शासकीय भूमियों को तो सीएमओ ने बड़े बड़े लोगों से सांठगांठ करते हुए कब्जा करवा दिया है। इधर अब प्रजापति समाज की निजी भूमि को डकराने में लगे हुए हैं कुरावर सीएमओ। राजगढ़ जिले के नगर परिषद कुरावर मंडी में प्रजापति समाज की पर्यटक भूमि है, जो कि समाज की धर्मशाला निर्माण के लिए प्रस्तावित है, जिस पर नगर परिषद ने अवैध कब्जा कर उक्त भूमि पर नगर का गंदा कचरा फेंका जा रहा है और स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके कारण प्रजापति समाज के लोग उक्त धर्मशाला का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कोई आयोजन कर पा रहे हैं। इधर प्रजापति समाज के लोगों ने जब इस संबंध में नगर परिषद के सीएमओ से कब्जा हटाने की बात की गई, तो नगर परिषद के सीएमओ ने प्रजापति समाज के लोगों से कब्जा हटाने की मना करते हुए अभद्रता करते हुए बदतमीजी की बात की है और कहा है कि अभी तो कचरा ही डाला गया है, अब पक्का निर्माण कर आपको नोटिस जारी कर उक्त भूमि से हटा दिया जाएगा और आप चाहे कुछ भी करो और किसी अन्य केस में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। इस विषय में जिन लोगों की नगर परिषद सीएमओ से बात हुई है उसके सभी वीडियो और ऑडियो की भी समाज के लोगों के पास मोबाइल में मौजूद है। इधर सीएमओ की गुंडागर्दी से नगर के प्रजापति समाज के लोग आक्रोशित है। वहीं समस्याओं को लेकर प्रजापति समाज के लोग सीएमओ पर कार्यवाही करवाने एवं बदतमीजी करने पर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाने को लेकर राजगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा व कलेक्टर हर्ष कुमार दीक्षित को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसके बाद सीएमओ के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। इस पे अवैध रूप से जो कचरा पड़ा हुआ है, इस कचरे को पूरा यहाँ पर सारे मार्केट का कचरा, गांव का कचरा आकर यहाँ डाल रखा है, हमारी जगह पर कब्जा कर रखा है, हमारा रास्ता बंद कर रखा है। हमने दो चार बार उनकी शिकायत भी की है, लेकिन उसके बारे में सीएमओ साहब ने आज तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। कहाँ नहीं है ठीक हटा लेंगे, अभी भी मशीन चल रही थी, हमने मशीन वाले से मना करा और उसने भी नहीं माने कि नहीं हम पूछ देंगे वापस, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज तक अभी हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ है। हमें यहाँ धर्मशाला बनाने में असमर्थ हो रहा है, हमें जगह है हमारी, जो जमीन पड़ी है हमारी है, निजी जमीन है, ये हमें समाज के द्वारा दान में दी गई है, हमारी समाज की जमीन थी, हमें दान में दी गई है, इसे उसमें हमें बनाने निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन इस कचरे की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं काम। आने वाले समय में अगर मान लो ये हमारे सब निराकरण हो जाए तो हम इस पे निर्माण कार्य शुरू कर दें। आपने इसके लिए रास्ते के लिए अपने यहाँ के तहसीलदार साहब से या कलेक्टर महोदय से कोई ज्ञापन दिया? तहसीलदार साहब को पहले जो थे तहसीलदार साहब उनको ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक उन्होंने कोई रिश्वत नहीं दी, हमें कागज लेकर पटक लिया गया हमारा और